बड़सर विधानसभा क्षेत्र में चारों जिला परिषद की सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने बड़सर एसडीएम कार्यालय में नामांकन दर्ज करवाए। इस दौरान बड़सर के पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा भी मौजूद रहे। भाजपा ने करेर बाढ़ से राजेश कुमार, बिजड़ी बाढ़ से कल्पना देवी, बड़सर बाढ़ से मीना देवी और दांदड़ू बाढ़ से संजीव कुमार को मैदान में उतारा है। भाजपा ने इन चारों प्रत्याशियों के लिए कवरिंग कैंडिडेट भी मैदान में उतारे हैं। भाजपा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ बताकर लोगों से वोट की अपील की जा रही है। वहीं इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने जिला परिषद चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। उन्होंने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के नाम पर जनता के बीच वोट मांगने की बात कही। उन्होंने लोकसभा चुनावों की तरह ही पंचायती राज चुनावों को जीत का दावा किया है। वहीं बलदेव शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल द्वारा अपने गृह जिला में करवाए गए विकास कार्यों को देखते हुए जनता द्वारा नगर परिषद व जिला परिषद की सभी सीटों पर जीत दर्ज करवाने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के में सभी नेताओं का, जिला प्रदेश के अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूँ कि जिला भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 हमारे जो जिले बस बाढ़ हैं उनके जो नाम प्रदेश को भेजे थे उसकी घोषणा उन्होंने भी की है और हमने जिला से भी की है। पांचों मंडलों ने जो एक एक नाम जिला को भेजा था, पूरी स्कूटिंग कर मीटिंग कर ग्राम केंद्र तक जाकर, मंडल कार्यकारिणी तक जाकर, कार्यकर्ताओं से बैठ कर काफ़ी लोगों के नाम इसमें आए चुनाव लड़ने के लिए। और जो अच्छे उम्मीदवार थे, उम्मीदवार अच्छे वो भी थे जिन्होंने अप्लाई किया था, वो भी अच्छे थे, पर लड़ना तो एक दिन था चुनाव। तो जो अच्छे नौजवानों को, महिलाओं को मौका दिया गया और 18 के 18 नाम हमें जिला में आए प्रदेश के बाद और हमने घोषणा की है, उसी कड़ी में आज विधानसभा क्षेत्र बस्तर के जो चार जिला बस बाढ़ है हमारे, हमारा करेर बाढ़ है, उसके बाद हमारा बिजड़ है, बिजड़गढ़ हमारा बस्तर बाढ़ है और उसके बाद दांदड़ू, उन चारों उम्मीदवारों ने आज यहाँ पर अपने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उसमें मैंने भी साथ में रहा इनके साथ और उनके साथ हमने चार चार एडिशनल और नाम दिए, उन्होंने भी अपना यहाँ पर नामांकन किया है। सर, जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं? जीत के बाद मेरे चारों के चारों उम्मीदवार जीतेंगे, जनता जिताएगी और जो कैंडिडेट हैं बहुत अच्छे हैं, पंच पर प्रधान रहे हैं, कोई अच्छा युवा मोर्चा में रहा और अच्छे उम्मीदवार हैं हमारे चारों ही, और चारों जीत के आएंगे जिला में, भारतीय जनता पार्टी का फिर चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनेगा। हम 18 के 18 जो हमारे वार्ड हैं जिला हमीरपुर के, 18 के 18 वार्ड में हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो केंद्र में जो बैठे प्रधानमंत्री हमारे, अच्छा काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। हिमाचल सरकार जो आदि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जनता के हित में, गरीब के हित में, हर वर्ग के हित में सरकार हमारी केंद्र और हिमाचल सरकार काम कर रही है। उन बातों को लेकर जनता में जाएंगे, वोट मांगेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो ये लोग काम भी करेंगे। और मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ कि आप, और प्रार्थना भी करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर कि चारों उम्मीदवार हमारे जो करेर वार्ड है वहाँ से राजेश कुमार जी हमारे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तीन बार प्रधान रहे हैं, इनको आशीर्वाद दीजिए। इसके अलावा बिजर से हमारी बहन हो अपना कल्पना देवी, वहाँ से चुनाव लड़ रही है, उसको आशीर्वाद दीजिए। 13 नंबर से बीना देवी जो दो बार प्रधान रही है भाभी जी, उनको समर्थन आशीर्वाद दीजिए, उनको जताइए। और हमारा जो दांदड़ू वार्ड है वहाँ से जो हमारे नौजवान युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार जी, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर चारों उम्मीदवारों के लिए जनता से प्रार्थना करता हूं कि भारी मतों से जिताइए। हम केंद्र के कोई काम करने वाले उसको भी सहायता करेंगे, आदरणीय जो हमारे अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और बहुत काम कर रहे हैं, आप देखा जम्मू के अंदर पार्टी के अंदर किस तरह काम किया, वहाँ सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। इसके अलावा हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर जितने उपचुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार वहाँ पर MLA जीत के आए हैं, और किसानों का जो बिल है लाए मोदी जी बहुत अच्छे बिल हैं, किसान के हित में है। जो विरोध कर रहे हैं वो पार्टियां विपक्ष की पार्टियां कर रही है, उनका कोई मतलब नहीं है विरोध करने का, और विरोध करने वाला भी भाग्य फॉर्म में आजकल मिल नहीं रहा हो। कांग्रेस का स्थापना दिवस था तो अपनी स्थापना दिवस में भी नहीं रहा, तो इसलिए जनता से मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि हमारे 18 के 18 कैंडिडेटों को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेगा। धन्यवाद।